हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वजन कम करना कुछ लोगों के लिए एक सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से मोटा होना भी वजन कम करने के समान ही एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। अगर आप एक स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए अपना वजन बढ़ाना चाहते हो तो आपको मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बहुत से ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप 4-5 दिन के अंदर ही बहुत ही आसानी से अपने वेट को इजीली गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अपने वजन बढ़ाने के लिए खानी चाहिए वो है आम और दूध। आम वैसे तो बहुत ही टेस्टी होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा खनिज और विटामिन होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ आम को अकेले खाएंगे या खाली आम खाएंगे तो आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बढ़े तो इसके लिए आपको एक दिन में 3 आम खाने हैं और उसके बाद गर्म गर्म दूध पीना है, जिससे कि आप आसानी से जो है अपने वेट को गेन कर पाएंगे। इसके साथ ही अंजीर और किशमिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके वजन को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए। अंजीर और जो किशमिश होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आप चाहें तो किशमिश और अंजीर को सूखे भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दोनों को पानी में रात भर भिगो कर रखें और अगले दिन फिर इसे खाएँ। आप देखेंगे कि आपको तुरंत ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। आप अपने वजन को बढ़ाने के लिए भोजन में केला और दूध को ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। शायद ये आपको पता ना हो, लेकिन केले में भरपूर मात्रा में कैलोरीज होती हैं। ये आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने में मदद करती हैं और तभी जो है सारे के सारे खिलाड़ी जो होते हैं ना वो केले खाते रहते हैं। आप भी रोज़ाना सुबह एक केला तो ज़रूर खाएं और उसके साथ दूध पिएं। इसके अलावा आप मीठा बनाना शेक भी पी सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ ही बादाम का दूध जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके वजन को बहुत ही जल्दी से गेन करने के लिए। दूध में बादाम, अंजीर और किशमिश को डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दें, फिर दूध को छानकर पी लें। ये बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और आपको इतनी जल्दी ये रिज़ल्ट देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको अंडे ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि अंडों में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में कैलोरीज, फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय आहार होता है आपके वजन को बढ़ाने के लिए। अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं जिससे कि आपकी मांसपेशियों का गेन हो सकता है ईजिली, और आप देखेंगे कि अंडे की जो जर्दी के बिना सफ़ेद अंडा खाएं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। रोज़ाना आपको 3 से 4 सफ़ेद अंडे खाने हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में 1 महीने के लिए सफ़ेद अंडे का ऑमलेट या तला हुआ ऑमलेट खा सकते हैं। कभी भी कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं खाना है, इससे आपको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बन सकती हैं। वजन को बढ़ाने के लिए आप एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही आमतौर पर बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल जाएगी, वो होती है आलू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आलू में बहुत ही ज़्यादा उच्च कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत होता है, जो कि आपके वजन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर्स और विटामिन सी भी होता है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। मोटे होने के लिए आप सूखे मेवे भी खा सकते हैं। सूखे मेवे में भी वजन बढ़ाने का एक बहुत ही स्वस्थ और अच्छा विकल्प होता है। आप चाहें तो बादाम, काजू और अखरोट को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मक्खन और घी को भी मोटा होने के आहारों में इंक्लूड किया जाता है। मक्खन में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप हर दिन दूध पीने से उब चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने दूध में मक्खन मिला के पी सकते हैं, या आप चाहें तो ब्रेड और मक्खन खा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मक्खन को अपने खाने में, अपने आहार में इंक्लूड कीजिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको मांस ज़रूर खाना चाहिए। जी हाँ, मोटे होने के लिए आपको लाल मांस खाना चाहिए, क्योंकि लाल मांस जो है वो आपको मोटा बनाएगा बहुत ही तेज़ी से। बिना चर्बी का लाल मांस कैलोरीज से समृद्ध होता है तथा यह वजन शीघ्रता से बढ़ाता है। लाल मांस में प्रोटीन और लोहे की उच्च मात्रा होती है, और लेकिन जो उच्च संतृप्त वसा वाला खाना होता है उसके साथ ही लाल मीट को खाने से बचना है आपको, क्योंकि यह निश्चित रूप से वजन बढ़ाने का स्वस्थ तरीका नहीं होगा। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।